देखो देखो पबजी पर ध्यान मत दो, इधर देखो आज आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। इतना सर आपको क्वेश्चन है, इन सबको क्वेश्चन मौखिक टेस्ट हम इधर पूछेंगे, आपको जब बताना है। अगर आपका बताया हुआ सही होगा तो आपको अपने कापी पर एक लगा लेना है और उस हिसाब से आपको जितना आपका रैंक होगा, अगर फर्स्ट एक नंबर पर आइएगा तो आपको कुछ प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। और ठीक है ओके ओके। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ए नंबर में है साइन ए, बी में है टेन ए, सी में है सेक ए, डी में है कॉस ए। तो आप हमें पहले इसमें से सही आंसर बताइए कौन होगा। ऑप्शन सी सेक ए। सेक ए आप बताएं, आपका वही होगा सेक ए। सेक ए बताए हैं आप, सेक ए जो है आपका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस ए। कैसे? देखिए आप पहले जीरो लगा लीजिए, एक नंबर में जीरो। देखिए इसका कैसे सेक ए होगा, इसका फॉर्मूला ही होता है, आपको हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, लिखवाए हैं ना। तो फिर कैसे भूल गए, तो इसका कॉस थीटा होगा ना, यानी कॉस ए होगा ना। तो एक नंबर आपका गलती हो गया। चला चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो दो नंबर क्वेश्चन है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। ऑप्शन बी। इसमें कौन होगा? ऑप्शन बी 7.5 मीटर। ये पूरा कन्फर्म है? राइट आंसर 99%। तो चलिए हम आपको इस पर टेक करते हैं, ये आपका सही है। आप दो नंबर में एक लगा लीजिए। इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कैसे होगा? नहीं जानते हैं तो देखिए एक बार हम बता देते हैं। 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारा दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। मान लीजिए ये दीवार है, इसका शीर्ष ये है, तो सीढ़ी इधर से ऐसे लगती है तिरछा, ये कितना है 15 मीटर। ये भूमि के साथ कितना डिग्री के 60 डिग्री के कोण बना रही है। तो पूछ रहा है कि ये लंबाई, ये दीवार है ना, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या, ये हो गया कोण और ये हो गया लंब। तो कोण लंब किस में होता है? साइन में। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब है, लंब ये इसको मान लेते ए बी सी, तो ए बी बटा में ए सी। अब इसका मान होता है √3/2। ये ए बी आपका हो गया कितना, ए बी नहीं दिया तो ए बी जो कितने रख देंगे, ए सी हो गया 15। तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, 15 में उससे गुना करें तो 15 √3 हो जाएगा, ये बटा 2। इसको कटाइएगा तो 7.5 √3, यानी √3 नहीं दिया है, खाली 7.5 मीटर दिया है, तो जो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन है ए में 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 90 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। तो इसमें से आप सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, तीन नंबर भी आपका सही हुआ। चलिए चार नंबर क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बता दें ना। मालूम है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। हाँ तो चलिए फिर ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan² θ बटा 1 + cot² θ बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए में है tan² θ, बी में है sec² θ, डी में है सी में है cot² θ, डी में है -1। इसमें से आप सही आंसर बताइए। ऑप्शन डी sec² θ होगा इसका, आपका इसमें से sec होगा, आपका होगा ऑप्शन डी -D। ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा tan²θ। देखिए बताते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आप इससे जीरो लगा लीजिए। देखिए कैसे हुआ, 1 + tan²θ दिया है, 1 + tan²θ बराबर sec²θ होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये 1 + cot²θ, 1 + cot²θ बराबर फॉर्मूला होता है sec cosec²θ। अब इसको हम उलट देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करना कैसे है, तो इसका मान होता है 1 / cos²θ, इसका हो जाएगा 1 + sin²θ। ये तीन स्टेप ऊपर हो जाएगा तो sin²θ / cos²θ, समझ में आ रहा है। बराबर इसका फॉर्मूला होता है tan²θ, तो ये tan²θ है जो आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँच नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 0, डी में है 3। सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। ना समझ में लाए तो बोलने यार। ना समझ में, घात का मतलब होता है पावर, 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 ये ऊपरे वाला पावर। इसमें देख लेना है चर, यानी एक से इसमें चर, तो इसका सबसे अधिक अधिकतम पावर क्या है, तो अधिकतम पावर इसका पावर एक है, इसका पावर दो है, तो अधिकतम पावर दो है ना, तो वही पावर बता देना जो अधिक हो, वही आंसर हो जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए छः नंबर, छः नंबर क्वेश्चन है रूट सेवन है। ए में एक परिमेय संख्या, बी में एक अपरिमेय संख्या, सी में एक प्रकृति संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर, एक अपरिमेय संख्या। हाँ, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए एक वीडियो बनाए हैं जिस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग है, ये रूट से सेवन एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना है आपको। अब देखिए सात नंबर क्वेश्चन है, एक्स कोस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, इसमें से ऑप्शन है ए में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सी में है एक्स क्यू, डी में है 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो इसमें से आप सही आंसर बताइए कौन होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए है जो राइट आंसर है। विशाल कुमार आपका कौन है? ऑप्शन ए ही होगा। तो चलिए आपका भी सही है, क्योंकि एक्स प्लस दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। हाँ देखिए, एक्स में एक्स से गुना किए तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स में 2x ले किए तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो जो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है, समझ में आ गया ना। नौ नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी रूट 18, रूट 50, रूट 98, रूट अंडर 162 डैश 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 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर पूछा था ना, बताया ना। तो चलिए ए में है 2, बी में है 2√2, सी में है 3, डी में है 2√3। तो अब बताइए इसमें कौन होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये वाला होगा। मोबाइल से निकाल रहे होगा? ना ना। तो चलिए देखिए हम बताते हैं ये सही है कि गलती है, देख लीजिए कैसे निकाले ये रूट 18 को, कैसे तोड़े रूट 50 में से नहीं, इसका टूटेगा कैसे, 3√2 कैसे हुआ पता है? देखिए इसको तोड़िएगा दो भाग में, तो ये 9×2 हो जाएगा ना। हाँ देखिए 9 जो है, 9 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है ना। हाँ। तो 3 को हम बाहर निकाल दिए, ये रूट अंडर में 2 हो गया ना। अब इसी प्रकार हम 50 को तोड़ेंगे, तो 50 को तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, 25×2 हो जाएगा ना। 25 का वर्ग क्या होता है, 5×9, तो 5√2 हो गया। अब d निकालने के लिए सूत्र क्या होता है कि a2 में ले a1 को घटा दिया जाता है ना। तो a2 कौन है, 5√2 है ना। a1 कितना है, 3√2 है। अब इसमें ले घटा दीजिए, इसमें ले घटेगा तो 2√2। वाह आपका सही आंसर आ गया, तीन को सही बताए। आप तो पढ़ रहे हैं। 10 नंबर, यदि y² + 1/y² = 14 तो y + 1/y = what, यानी क्या होगा। ऑप्शन ए में है 16, बी में है 12, सी में है 8, डी में है ±4, बताइए इसमें कौन होगा। ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी, एक बार नोटिस कर रहे हैं हम के सभी में आप बी मार रहे हैं। सीरियल भाई बी ए भी मारने का सीखेगा, बना कर 10 में से कम 5 तो सही होगा ना, बी मारेंगे तो। वो ये टारगेट रखे हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, बोर्ड में भी ऐसे मत कर देना। चलिए अब हमारा देखिए क्या होता है, हम सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। y + 1/y है ना, इसका हम पहले होल स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका होल स्क्वायर के सूत्र y² + 1/y के होल स्क्वायर हो जाता है, अब +2 × y × 1/y हो जाएगा। वाई से वाई कट गया, हाई ये दिया है। अच्छा। तो इसका होल स्क्वायर किए तो होल स्क्वायर के सूत्र पर इतना आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, ये ए होया, ये बी हो गया, इसका स्क्वायर किए तो ये a² + b² + 2ab, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल। अब देखिए इसको करते हैं हम, y + 1/y के होल स्क्वायर ज्यों कितने हो गया, अब देखिए y² ज्यों कितने हो, अब +1/y² हो जाएगा, तो कोई दिक्कत, अब ये 2 है तो 2 जो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, y√1/y के होल स्क्वायर हो गया, अब y² + 1/y² के मान दिया है कितना, देखिए ये दिया है 14 दिया है ना। हाँ। तो इसके जगह पर हम 14 रख देते हैं, जोड़ में कितना दिया है, 2 दिया है ना।
अब दो लिख दिए, अब देखिए वाई जोड़ वन बटा वाई, अब इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा ना। अब ये स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड आता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो इसका वर्गमूल क्या होता है 4, तो प्लस माइनस 4, तो आपका डी नंबर सही होगा ना, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है -2, डी में है 10, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। 4 होगा, पूरा कंफर्म है, हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। अच्छा करके बताइए। ना मेरा 4 होगा, ऑप्शन सी -2। एक का माइनस, अविनाश का है कितना -4, आई आपका हो गया -2। तो चलिए हम इसको सोल्व करके बताते हैं कि आखिर ये होगा कि नहीं। तो देखिए समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या कह रहा है, एनवा पद इतना हो तो पहला पद पूछ रहा है, पहला यानी ए पूछ रहा है। एन दिया है, एन कितना दिया है 6n -2 दिया है ना। अब इसका सूत्र क्या होता है, एन का इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है ना, बराबर 6n -2। मान लेते हैं, माना यहाँ मान लेते हैं हम n बराबर 1, 2, 3। अब इस पर रख के बनाते हैं तो n के जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रख के बताइए, बनाइए, देखिए n के जगह पर ये रखेंगे ना, n का पद, हाँ 6n -2, हाँ तो n के जगह पर वो रखिए, हाई n, n है ना जो प्रकृति संख्या से लेकर चलते हैं, n का पद, हाँ तो इतना दिया हुआ है, हाँ तो प्रकृति संख्या के जगह पर हम एक दो एन के जगह पर प्रकृति संख्या रख के देखते हैं, ठीक है ना, किस पर बैठ रहा है। तो देखिए एक रख दिए, एक ये डी जीरो डी हो गया, यहाँ 6 1 -2 हो गया, ए इसमें होगा तो 0 होगा, 0 गुने डी, ये हो गया 6 -2, ये ए डी में 0 से गुना हुआ 0, ये हो गया 4, ये 0 से कोई वैल्यू नहीं है, तो ए बराबर क्या आता है 4, तो आपका 4 है जो राइट आंसर है ना। अविनाश जी का सही है, नीतीश जी का आपका गलत हो गया। दिमाग लगा कर बताओगे तो बिल्कुल सही होगा, पबजी खेल रहे हैं लेकिन दिमाग लगा रहे हैं। देखिए 12 नंबर है क्वेश्चन, sec स्क्वायर a -tan स्क्वायर a बराबर होता है, एक ये फॉर्मूला है, वही एक होता है। देखिए a नंबर में है 0, b में है 1, c में है -1, d में है 2, तो बताइए एक है, एक है, एक है जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सूत्र है ना। हाँ, सूत्र याद करवाए, ये सूत्र है, ठीक है,